जहाँ पर पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है। इसी बीच मुरलीगंज में हमें एक ऐसी तस्वीर मिली है कि लोग वहाँ पर जो है, वहाँ के छात्र जो हैं, जो बाहर से आए हैं और क्वारंटाइन रखा गया है, लोग जो आए हैं बाहर से, मज़दूर जो आए हैं, उन लोगों को मुरलीगंज के अलग अलग कॉलेज और स्कूल में क्वारंटाइन किया गया है। और उन लोगों को खाना ना मिलने पर वहाँ के जो प्रवासी मज़दूर हैं और जो छात्र आए हैं बाहर से, वो लोग जो है सड़क को जाम किए हुए हैं। करीब 1-1.5 घंटे से ये जाम लगी हुई है और अभी और ये जो जाम है बढ़ती ही जा रही है। वहाँ के आसपास के जो भी छात्र हैं, जो बाहर से आए हैं, हर एक कॉलेज से यहाँ पर आकर जाम लगाए हुए हैं। आने जाने में लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, जहाँ पर पूरा देश जो है कोरोना से लड़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ मुरलीगंज में छात्रों और प्रवासी मजदूरों द्वारा जो है रोड जाम कर दिया गया है और एक दूसरे से सट के खड़े हैं और कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है और सरासर यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। जहां तक कहना है मोदी जी का और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कि जब तक हम एक दूसरे से दूरी बनाकर नहीं रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करेंगे, तो हम कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अभी जो है इसका वैक्सीन नहीं निकला है जो कोरोना से हम ठीक से लड़ पाएँ। तो इसका एक ही अभी उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। लेकिन खाना ना मिलने पर जो है छात्र काफ़ी गुस्से में आ गए हैं मुरलीगंज में, जो कि सड़क जाम करने पर उतारू हो गए हैं। देखिए आप पूरी तस्वीर। अधिकारी जो है ड्यूटी पे, उससे आप लोग नहीं कोई ना था प्रभारी बोला कि रोड जाम करो, प्रभारी बोला रोड जाम करो, प्रभारी बोला मधेपुरा जिला दुर्गा जहाँ पर देखिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे धज्जिया उड़ा रही है। जहाँ तक प्रवासी हेलमेट मिले जितना